भैया भले ही बॉलीवुड वाले कितने भी रॉकी भाई के केजीएफ से जलन रखते हैं, उनका इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है उससे उनका जलता है, लेकिन यस भाई तब भी बॉलीवुड के सपोर्ट में आ गए हैं। भाई ये बात कल ही की है जब फिल्म कंपेनियन पर अनुपम चोपड़ा के साथ इंटरव्यू दे रहे थे रॉकी भाई, वही उन्होंने एक मुद्दा उठाया बॉलीवुड का। लिटरली यस भाई ने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है प्लीज बॉलीवुड का बेइज्जती मत करो, उनका बस ये बुरा फेज चल रहा है जिसके कारण अभी उनका बैंड बजा हुआ है, सारे फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, जल्दी ये बुरा समय खत्म भी हो जाएगा उनका। देखिए उस इंटरव्यू में बहुत सारे बातें और मैं तो शौक हो गया रॉकी भाई का विजन देखकर, जहां और सारे एक्टर फिल्म पैसों के लिए भाग रहे चाहे साउथ हो या बॉलीवुड स्टार, लेकिन राजा मनसर के बाद ही दूसरे इंसान मिले जिन्हें इंडियन सिनेमा के लिए कुछ करना है। नहीं तो प्रभास, अल्लू अर्जुन ये लोग इतने बड़े पैन इंडिया स्टार बन गए, ये चाहते तो कब का इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड के पास ला के खड़ा कर देते, लेकिन ना ही ये लोग बिजी हो गए अपने वही बेसिक सब फिल्मों में, बस फिर अपना 100 करोड़ के ऊपर कार कर लिए, बट कंटेंट वही नॉर्मल सा बना रहे जिससे पूरा इंडिया के बाहर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मगर अपने यस भाई के आगे के प्लान इंडिया के फिल्मों से कम्पीट करने का है ही नहीं, अब उन्हें दुनिया चाहिए। खुला इंटरव्यू में बोल रहे हैं अब मुझे हॉलीवुड के साथ कम्पीट करना है, और मैं जानता हूँ काफी लोग ये बात थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन यस भी ऐसे इम्पॉसिबल काम पहले भी प्रूफ करके दिखा दिए हैं। जहाँ एक बार 2014 में किसी कनाडा के टीवी शो में बोले थे हमारा कनाडा इंडस्ट्री इंडिया का बेस्ट सिनेमा बनेगा, एक दिन लोग हमारे कंटेंट को सैल्यूट करेंगे, लोग आजमाज 8 सालों में ही उन्होंने अपने कमिटमेंट को सही साबित करके दिखा दिए हैं। इसका नतीजा ये साल 2022 से जो पूरे कनाडा सिनेमा का नाम हो चुकी है। सबसे पहला केजीएफ तो फिर 7-7 चार्ली, फिर विक्रांत रोना, फिर कंतारा, इन सारे फिल्मों ने जो बड़े नंबर बनाए वो बात अलग है, लेकिन इनमें देखने वाला सबसे बढ़िया चीज इनका कंटेंट है जो काफी यूनिक था बाकी सिनेमा से, जिसके कारण इन्होंने पूरे 2022 में रूल किए हैं। देखिए भाई ये बात होता है यस भी अपने यस 90 को सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल ऑडियंस के मद्देनजर रखते हुए बना रहे, और इन्होंने यह भी बोला वहाँ मैं अपने फिल्मों को अनाउंसमेंट करने में लेट कर रहा, तो प्लीज आप ऐसा मत समझिए कि मेरे सर के ऊपर सक्सेस चढ़ गया इसलिए मैं घर पर बैठ के आराम कर रहा हूं। नहीं, मैं अपने प्रोजेक्ट पर 24/7 लगा हूं, मुझे अपनी ऑडियंस को कुछ अलग देना है और जल्दी मैं अनाउंस भी करूंगा वो अलग चीज है क्या। खैर ये तो सब कुछ जानता है साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट है आपकी यस 19 और इसी से आप हॉलीवुड के साथ कम्पीट करने वाले हैं, बस आपके तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए उसी को हमें इंतजार रहेगा। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तब तक आप सभी को अलविदा।